नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इनोयन, आप देख रहे हैं एस एस इलेक्ट्रिकल। जो है बजाज का एक फ़ैन है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देते हैं। तो ये जो है आपका प्लग इन करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में, यानी कि नो स्विच। तो स्विच दिया तो जैसे कि ये देख सकते हैं ये अभी नहीं चल रहा है। तो जब हम इसको हल्का सा टच करेंगे तो ये चलना शुरू कर देगा। तो देखा कैसे ये फैन एक बार टच होने के बाद चलना शुरू कर दिया, एक बार धक्का लगने के बाद। तो उसके बाद जो है आराम से चला, तो फिर से ऑफ हो गया ये। तो हम लोग ऑन करते हैं तो ये जो है नहीं चल रहा है। तो फिर से हम लोग एक बार इसमें देख लेते हैं। अब देखिए ये चलना शुरू हो गया, तो ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है मैं बता दूं। ऐसा प्रॉब्लम दो कारणों से हो सकता है। सबसे पहला, अगर आपका फैन का सैप बूस्ट खराब हो तो, या फिर जाम भी हो जाए तो। और दूसरा आपके कॉइल से रिलेटेड है। आपके कॉइल का यानी कि जो स्टार्टिंग लूप होता है वो अगर नहीं चल रहा हो, यानी कि वहाँ पे जो कंडेंसर लगाया जाता है वो अगर खराब हो तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको देख लेना है आपके फैन में कौन सा प्रॉब्लम है। अगर आपका सैप बूस्ट में प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत ऑयलिंग देके आप देख सकते हैं कि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आपका प्रॉब्लम ऑयलिंग देके सॉल्व हो जाए तो बढ़िया, अगर नहीं हो तो दूसरा कारण जो आपको मैंने बताया, ऐसा ज़्यादातर कारण होता है आपका कंडेंसर खराब होने के कारण। क्योंकि कंडेंसर का काम है स्टार्टिंग करना। अगर स्टार्टिंग ऐसे एक बार टच करने से हो जाए तो उसका मतलब आपका कंडेंसर का पावर थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इसलिए जो है आपको स्टार्टिंग के समय अपने हाथ से उसको प्रेस करना पड़ रहा है, और जाम की वजह से होता है, जिसका आपको बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जो स्टार्टिंग कॉइल है मेरे हिसाब से वही कंडेंसर जो है खराब होगा। तो जो है मैं इसको पीछे से कर लेता हूँ और नट खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही नट लगा के रखा है ताकि जल्दी हो। तो यहाँ पे जो कंडेंसर है वो है आपका 4 UF का, तो सेम लगा देंगे। मेरे पास है एक 4 UF का 4 MT लिखा है यहाँ, सेम ही है। तो उसे लगा कर देखेंगे, अगर ये स्विच देने के बाद डायरेक्टली ऑन हो गया तो हमारा जो है ये स्टार्टिंग कॉइल का जो कनेक्शन जो कैपेसिटर से जाता है वही प्रॉब्लम है, तो उसको देख लेते हैं। वैसे स्विच को आपको देखा था, आपको ये जो है हाई में ही था, फिर भी जो है टच करने के बाद ही ऑन हो रहा था। तो इसका कैपेसिटर जो है चेंज करते हैं। मैंने जो है इसका कैपेसिटर चेंज कर दिया, जहाँ से मैंने कनेक्शन खोला था वहीं से कर दिया। और आप देख सकते हैं ये जो है नया कैपेसिटर है। तो अभी ऐसे ही रखेंगे और उसके बाद ऑन करके देखेंगे। तो हम लोगों ने स्विच को दिया और ये जो है फैन चलना शुरू हो गया। स्विच को ऑफ करते हैं और पहले इस फैन का रोटेशन पूरी तरीके से रुक जाए, उसके बाद फिर से एक बार चला के देख लेंगे। तो ये जो है कनेक्शन, इसका स्विच हम लोग दे रहे हैं और स्विच देते ही ये जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। ये जो है क्विक टिप्स वाला छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।